SBS आए हैं हमारे घर पे। मैं अनन्या पूरी, आपकी प्यारी पौलोमी। मैं आपको दिखाऊंगी मेरा घर, मेरे दो अनमोल, तीन अनमोल रत्नों से, राहुल, राजेश और राज। मैं पीस में ज्यादा बिलीव करती हूँ तो मैंने इनको रख दिया। ये पता है क्या है, ये मेरा नहीं है, ये सुहानी का है। सुहानी से एक लड़की, सुहानी। यहाँ पे हमारे भगवान जी हैं, जहाँ पे शिव जी, गन्नू जी, पार्वती माँ सब है, और काली माता भी है। आई एम फ्रॉम कैलकटा, तो हम काली माता पे बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। आई लव हर एंड शी लव्स मी टू। अब मैं आपसे मिलवाती हूँ मेरी छोटी सी फैमिली के साथ। और ये मेरी छोटी सी, सॉरी, मेरी बड़ी बहन है एक्चुअली। हाँ, छोटी बना दे भैया। मेरी बड़ी बहन कविता। हम दरअसल अभी शिफ्ट हुए हैं कुछ एक महीने पहले ही, और कुछ ऐसा हो गया था कि मतलब हमने प्लान नहीं किया था शिफ्ट होने का, ये अलग घर ढूंढ रहे थे। और किया था थोड़ा बहुत, बट वो थोड़ी प्रॉब्लम की वजह से ये हुआ था कि नहीं। तो मैं अपना घर ढूंढ रही थी, बट कुछ ऐसा हुआ, मतलब मेरे नसीब में लिखा था कि ये मेरे साथ रहेगी, या मैं इसके साथ रहूंगी, या इन दोनों के साथ रहूंगी। ये जो विकी कौशल भाई साहब है ना, प्लीज अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज इस बंदी से बात कर लो, कुछ भी कर लो। आपकी भाई पागलपन, बेपन हाँ मोहब्बत है, अगर उसे आप पागलपन कहना चाहते हो तो कह दीजिए। ये हमारा छोटा सा डाइनिंग टेबल है, जब हम तीनों साथ में रहते तो हम यहाँ पे खाना खाते हैं, मस्ती करते हैं, और हमने यहाँ पे एक छोटा सा बैम्बू प्लांट लगाया है। बस दो दो फ्रिज है, तो हमने एक फ्रिज बाहर रख दिया। ये बेसिकली हमारे नॉन वेज फ्रिज है, वो वेज फ्रिज है। छोटा सा मैंने व्हाइट फ्लावर के पॉट लगाए हैं, एज यू कैन सी दैट आई लव व्हाइट। ये हमारे एक मतलब बैठने का जगह है, जब हम गप्पे लड़ाते हैं तो कुछ भी करते तो हम यहाँ पे बैठ जाते हैं आराम से। ये सुहानी के फैंस ने भेजा था सेट पे, तो अभी हमारे घर पे भी मतलब हमें टाइम नहीं मिला है कि हम इसको अच्छे से सेट कर पाए। एक ड्रीम कैचर है, आपको ऐसी बहुत सारी चीजें मिलेंगी मेरे घर पे। अब मैं दिखाती हूँ आपको मेरा बालकनी एरिया, जो बहुत सही है यार। एटलीस्ट मुझे मुंबई में भी थोड़ा सा हरियाली दिखने को मिलता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरा प्यारा सा रूम। ये है मेरा रूम, आप देख सकते हो कैसे मुझे सफ़ेद बहुत पसंद है, तो यहाँ पे भी बहुत सारे सफ़ेद 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 कर्टन्स, बेडशीट, कबर्ड। और ये मेरा एक छोटा सा बेड, एक्चुअली मुझे हाई बेड से प्रॉब्लम है, तो मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि मैं लो बेड लूँ, एंड इट्स अ वेरी कम्फी वन। मैं जब शूट से थकी हारी वापस आती हूँ तो मैं आई थिंक विद इन 5 मिनट्स में सो जाती हूँ, लाइक आई एम ऑन माई बेड एंड आई एम पास्ड आउट। यहाँ पे बहुत सारे मेरे प्लांट्स है।
मुझे ग्रीनरी बहुत पसंद है और मैं ये प्रेफर करती हूँ कि जब मैं सो के उठूँ तो मुझे पहली दफ़ा ये सब मेरे फ्लावर्स ये जितने भी प्लांट्स हैं वो सब मुझे दिखे। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरा वार्डरोब। ये मेरा बहुत फेवरेट ड्रेस है, इट्स अ वेरी फेवरेट ड्रेस ऑफ माइन। लॉन्ग कुर्ता विद प्लाजो बहुत पसंद है, साड़ी पसंद है। फेस्टिवल है सरस्वती पूजा, हम स्पेसिफिकली उस दिन येलो कलर की साड़ियाँ पहनते हैं। वैसे मुझे बहुत भूख लगी है और शाम भी हो चुकी है, तो मैं सोच रही थी कि मैं आप लोगों के लिए चाय और भजिया बनाऊँ, कांदे की भजिया। यार दिल ही तो है, दिल का बात तो मानना ही पड़ेगा। आ जाओ मैं बनाती हूँ आपके लिए। हमेशा से थे ना ये अपने कमरे को छुपा के रखती है सबसे। आप मैं आज दिखाती हूँ कैसे रहती है हमारी सुहानी। मुझे म्यूजिक का बहुत शौक है तो ये हमेशा मेरा साथी है, मेरे साथ रहता है पुराने गानों के साथ। तो बस ये है छोटा सा अपना बसेरा जहाँ हम रहते हैं। मुझे दरअसल बहुत सोबर चीज़ें हमेशा से पसंद रही हैं, तो मैं ट्राई करती हूँ कि चीज़ें बहुत अच्छे से रहें। तो पिलो थोड़ा रंगीन करने के लिए, और ये देखिए सबसे स्पेशल, इसे लोग ड्रीम कैचर कहते हैं बट ये मेरे लिए बहुत खूबसूरत सा है। तो मैं पहली बार जब सेट पे गई थी ना तो ऑब्वियसली मेरे लिए वो बहुत अलग एक्सपीरियंस था। मुझे नहीं पता था कि कैसे होता है, कैसे होते सेट के लोग, कैसे होते माहौल, कैसा होता है। तो मैं गई पहले दिन, मैडम जी वहाँ पे थी, तो मैडम जी का ना एक अलग ही अंदाज होता है जब लेने लोग आते, तो उनको बहुत ऐसे देखती है। मैं उन्हें देख तो रही होती हूँ पर मैं सोच कुछ और रही होती हूँ तो वो कुछ ऐसा हो जाता है। ये है मेरी सुहानी की सबसे फेवरेट पिक और ये शुरू शुरू की है जो मुझे सेट की तरफ से गिफ्ट मिली थी। हमारा छोटा सा एक परफ्यूम कलेक्शन है, सो हम ये बिलीव करते हैं इफ यू स्मेल गुड यू लुक गुड। और मुझे बहुत ही ज्यादा शौक है। दरअसल इस शौक के बारे में मुझे लगभग 6 साल पहले पता चला, उसके पहले मुझे पता नहीं था कि मुझे परफ्यूम्स का भी इतना शौक है। ये मेरा फेवरेट है और ये कहीं भी मिल नहीं रहा है। अब मैंने इसको लगभग 2 महीने से ढूंढ रही हूँ मैं हर मॉल में, जहाँ कहीं भी होता है एयरपोर्ट पे। बट आप लोग क्यों ऐसा करते हैं, पहले तो आदत लगा देते हैं प्यार की तरह और फिर उसे बंद कर देते हैं। इंटरेस्टिंग चीज जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो है ये छोटी सी पेटी। मैंने सुहाने के सेट से चुराया नहीं था बट चुराने का ट्राई कर रही थी, पर दादा ने बोला अच्छा ठीक है तुम ले जाओ। तो ये इस पे
पैसे हैं जो मैं इकट्ठा करती हूँ। देखिए, मुझे बहुत शौक है बचपन से कि मेरा ड्रीम है कि मैं जैगुआर, मुझे बहुत पसंद है दरअसल, तो मैं चाहती हूँ कि मैं खुद की एक खरीदूँ। तब के लिए मैंने बचा के रखा है, इंशाल्लाह 2-4 साल में पूरा हो जाए मेरा ये ख्वाब। आज आपने देखा कि हम हमारे डे ऑफ में कैसे घर पे रहते हैं, कैसे मस्ती करते हैं, मैं, मेरी बहन सुहानी, हम खाना बनाते हैं, हम एक दूसरे के टांग खींचते हैं, बहुत सारे मस्तियाँ करते हैं, कभी कभार पकौड़े बना लेते हैं, चाय बना लेते हैं। और वैसे सच्ची बताएं तो हम घर पे इतनी अच्छी तरह नहीं रहते हैं जिस तरह हमने आपको दिखाया। आई लव यू गाइज, कीप वॉचिंग दिल ही तो है, लव यू फ्रॉम मी, फ्रॉम अनन्या एंड फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ दिल ही तो है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।